हेलो एवरीवन वेलकम टू द न्यू लेसन ऑन द कोर्स व्हिच इज अबाउट द लाइट ऑफ क्लास टेंथ फिजिक्स दिस कोर्स इज प्रेजेंटेड बाय मी लवली कुमारी यू कैन रीड मोर मी फ्रॉम हियर यू कैन आल्सो रीड रिव्यू रिकमेंडेड एंड शेयर द लेसन इफ यू लाइकिंग देम यू कैन आल्सो सब्सक्राइब क्रैश फाउंडेशन ये हमारा लाइट चैप्टर का फोर्थ पार्ट है हम लोग थर्ड पार्ट में इमेज और प्लेन मिरर के बारे में पढ़ चुके हैं आज हम लोग इस मिरर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे सबसे पहले स्फेरिकल मिरर होता क्या है स्फेरिकल मिरर इज़ डैट मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज़ द पार्ट ऑफ होलोस्फेयर होलोस्फेयर तो सब लोग देखा है देख लीजिए ये है हॉलोसफेयर इसी का कोई पार्ट इसका जैसे कि ये वाला पार्ट ले लिए तो ये वाला जो पार्ट हो गया ये हमारा स्फेरिकल मिरर हो गया या फिर ये वाला पार्ट ले लेते हैं तो ये वाला पार्ट हो गया ये हमारा स्फेरिकल मिरर हो गया कितने टाइप्स का होता है स्फेरिकल मिरर टू टाइप्स का होता है कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। अब सबसे पहले हम लोग कॉन्केव मिरर को देख लेते हैं कॉन्केव मिरर इज डैट स्पेरिकल मिरर इन विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस एट द कॉन्केव सरफेस। वैसा मिरर जिसका रिफ्लैक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्शन कहाँ से होता होगा कॉन्केव सरफेस से होता होगा कॉन्केव सर्फेस कौन सा बेंड इन सर्फेस मतलब कि अंदर के साइड जो झुका हुआ होगा उस सर्फेस को कहते हैं कॉनकेव सरफेस तो ये हमारा हो गया कॉनकेव मिरर अब नाउ नेक्स्ट कॉन्वेक्स मिरर कॉन्वेक्स मिरर किसको बोलते हैं अ कॉन्वेक्स मिरर इज डैट स्फ़ेरिकल मिरर इन विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस एट द कॉन्वेक्स सरफेस अब कॉन्वेक्स सरफेस क्या हो गया ब्लगिंग आउट सरफेस जो बाहर वाला सरफेस होता है उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स सरफेस तो यहाँ पे कोई भी रे आएगा लाइट का और रिफ्लेक्ट करेगा जो आउटसाइड से उसको कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर अब आगे देख लीजिए यहाँ पे दोनों मिरर का इमेज दिखाया गया है ये है हमारा कॉन्केव मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है कॉन्केव सरफेस और ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर जिसका कॉन्वेक्स सरफेस कौन सा है आउटसाइड वाला अब आगे सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स जिसको समझना बहुत जरूरी है तभी आगे का चैप्टर आपको अच्छे से समझ आएगा तो एक एक करके सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझते हैं सारे टर्म्स को अच्छे से एकदम याद कर लेंगे आप लोग साथ में मेरे साथ साथ नोट्स बनाते जाइए ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो वैसे मैं पीडीएफ डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो सबसे पहले सेंटर ऑफ़ कर्वेचर सेंटर ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ़ स्फेरिकल मिरर इज सेंटर ऑफ द हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास ऑफ विच द मिरर इज़ अ पार्ट सेंटर ऑफ़ कर्वेचर क्या हो गया जैसे कि देख लीजिए ये है हमारा मिरर सपोज सपोजिट ये हो गया हमारा मिरर एक बार फिर से रीड कर लीजिए द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज़ द सेंटर ऑफ द हॉलोस्फेयर ऑफ अ ग्लास ऑफ विच द मिरर इज़ अ पार्ट ये मिरर जो है हम लोग का हॉलोस्फेयर का एक पार्ट है हम लोग पढ़ चुके हैं तो ये देख लीजिए ये जो है हमारा ये हॉलोसफेयर होगा होगा और ये उसका एक पार्ट है तो ये हमारा एक स्पेयरिकल मिरर हो गया और ये जो पूरा जो ये सर्कल जो हो गया ये हमारा हॉलोसफेयर हो गया ये जो हॉलोसफियर है इसी का कहीं इसका हॉलोस्फेयर का कहीं ना कहीं सेंटर होगा तो जो हॉलोसफेयर का जो सेंटर होगा वही होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर नाउ नेक्स्ट पॉइंट रेडियस ऑफ कर्वेचर द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज़ द रेडियस ऑफ हॉलोस्फेयर ऑफ ग्लास ऑफ विच द मिरर इज़ अ पार्ट देख लीजिए फिर से मिरर ये जो मिरर है ये एक हॉलोसपेयर का पार्ट है ये देखिए ये पूरा हॉलोस्फेयर होगा ये पूरा हॉलोस्फेयर हो गया और ये जो है ये हॉलोसफेयर का एक पार्ट है स्फेरिकल मिरर इसका यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया और इसका जो इस हॉलोस्फेयर का जो रेडियस होता है उसी को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर नाउ नेक्स्ट पॉइंट पोल द सेंटर ऑफ स्पेयर स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स पोल ये देखिए ये स्फेरिकल मिरर हो गया ये पूरा हॉलो स्पेयर होता है और ये जो इसका पार्ट है ये होता है स्फेरिकल मिरर इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा ठीक है सपोज डेट ये है सेंटर तो ये हो गया हमारा ये जो सेंटर है इसको बोलेंगे पोल क्या बोलेंगे इसको पोल अब आगे बढ़ते हैं प्रिंसिपल एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलते हैं द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस देख लीजिए ये है हमारा स्फेरिकल मिरर ये है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर ये पूरा जब मिरर रहेगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा ये है हमारा पोल अभी हम लोग पढ़ चुके हैं ये हम लोग का सेंटर ऑफ कर्वेचर ये भी अभी हम लोग पढ़ चुके हैं द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ अ स्फेरिकल मिरर स्ट्रेट लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास हो उसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस नाउ नेक्स्ट फोकस अ पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस वेयर इंसिडेंट रे पैरल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीट और अपीयर टू मीट इस कॉल्ड फोकस देखिए ये है हमारा कोई भी मिरर हो गया स्पेरिकल मिरर ठीक है ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो गया पोल कोई भी पैरल रे आता है तो वो कहाँ से पास होता है फोकस से पास होता है तो कोई भी पैरल रे जो कोई भी इंसिडेंट रे पैरेलल रे जो आता है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये सब आया ये प्रिंसिपल एक्सिस से उसके पैरेलल ये सारा इंसिडेंट रे आया और वो जब जाता है जब रिफ्लेक्ट करता है तो कोई पॉइंट पे मिलता है कौन से पॉइंट पे मिलता है फोकस पे ठीक है इसी पॉइंट को बोलते हैं फोकस एक और एक और बात है फोकस देखिए फोकस जो होता है वो आर बाई टू के बराबर होता है नाउ नेक्स्ट फोकल लेंथ फोकल लेंथ किसको बोलते हैं द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन फोकस एंड पोल इज़ कॉल्ड फोकल लेंथ अभी हम लोग ये पढ़े ये स्पेरकल मिरर हो गया ये सेंटर ऑफ करवेचर हो गया ये पोल हो गया ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट रे आया और ये पास किया ये देखिए यहाँ पे जो मीट कर रहा है इसको बोलते हैं फोकस और ये जो फोकस और पोल पोल फोकस और पोल के बीच का जो ये डिस्टेंस है ना इसी को बोलते हैं फोकल लेंथ क्या बोलते हैं फोकल लेंथ द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ अब नेक्स्ट पॉइंट अपर्चर अपर्चर क्या होता है ये हमारा हो गया स्फेरिकल मिरर और ये है हमारा हॉलो स्वेयर का एक पार्ट तो जो ये जितना पार्ट है जो ये स्फेरिकल मिरर एम से लेकर के एम डेस तक ठीक है तो ये जो पार्ट है इसी को बोलते हैं अपर्चर अब आगे बढ़ते हैं Rules for obtaining image formed by concave mirror. अब हम लोग रूल्स पढ़ेंगे कि कोई भी कॉनकेव मिरर जो होता है उसमें इमेज जो बनता है उसका जो कुछ बेसिक रूल होता है जब ये बेसिक रूल जानेंगे तभी इमेज कैसे कॉनकेव मिरर में फॉर्म होता है वो हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे तो सबसे पहले सारा रूल्स पढ़ लेते हैं सबसे पहले रूल वन अ रे ऑफ लाइट विच इज़ पैरल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर पासिंग थ्रू इट्स फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर ये देखिए ये है प्रिंसिपल एक्सिस यह है सेंटर ऑफ कर्वेचर यह है फोकस यह है पोल और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई इंसिडेंट रे आया और मिरर से स्ट्राइक करने के बाद फोकस से होकर के ये रिफ्लेक्ट हो गया ठीक है यही हमारा रूल वन क्या कह रहा है कोई भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी इंसिडेंट रे आएगा वो कहाँ से पास करेगा फोकस से पास करेगा एक बार फिर से रीड कर लेते हैं रे ऑफ लाइट विच इज़ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ये रे ऑफ लाइट हो गया जो कि किसके पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है ठीक है और फिर तो ये कॉनकेव मिरर के पास गया और टकराने के बाद स्ट्राइक करने के बाद कहाँ से पास किया फोकस ये देखिए फोकस से पास किया ये हमारा रूल वन था नाउ नेक्स्ट रूल टू रूल टू क्या कहता है अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्केव मिररर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलॉन्ग द सेम पथ अब देखिए ये है हमारा कोई भी ये रे जो है वो आया वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुआ और मिरर के पास गया और स्ट्राइक करने के बाद सेम इसी पथ पे ये वापस आ जाएगा ये रहा हमारा इंसिडेंट रे और ये रहा हमारा रिफ्लेक्टेड रे सेम पथ पे। नाउ रूल थ्री अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ अ कॉन मिरर बिकम पैरल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या करें कोई भी लाइट रे जो है फोकस से जब पास होकर के मिरर पे स्ट्राइक करेगा तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर के रिफ्लेक्ट हो जाएगा ये देखिए अ रे ऑफ लाइट जो है वो फोकस से आया ये हमारा इंसिडेंट है मिरर से स्ट्राइक किया स्ट्राइक करने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर के रिफ्लेक्ट हो गया अब नाउ नेक्स्ट रूल फोर अ रे ऑफ लाइट विच इज़ इंसिडेंट ऑप्ट ऐट द पोल ऑफ कॉनके मिरर द रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग अ सेम एंगल विथ द प्रिंसिपल एक्सिस क्या कर रहा है यह है हमारा कॉनके मिरर यह है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस कोई भी इंसीडेंट आया यहाँ पे देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया मान लीजिए थर्टी डिग्री का एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया फिर मिरर से स्ट्राइक करने के बाद फिर ये रिफ्लेक्ट करेगा तो ये रिफ्लेक्ट करने के बाद जो ये एंगल बनाएगा वो भी थर्टी डिग्री का बनाएगा कहने का मतलब है एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा अब नेक्स्ट आप लोग के लिए मैं दो क्वेश्चन लाई हूँ आप लोग ये दोनों क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा जब मैं नेक्स्ट इसका वीडियो लेकर के आऊँगी नेक्स्ट पार्ट लेकर के आऊँगी तो मैं इसका आंसर आप लोगों से डिस्कस करूँगी तो पहला क्वेश्चन है द एंगल ऑफ इंसिडेंस फोर अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्केव मिरर उसका ऑप्शन है फोर्टी फाइव डिग्री नाइनटी डिग्री जीरो डिग्री वन एटी डिग्री ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे एक और क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ट्वेंटी सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर द मिरर इज मूव्ड टू सेंटीमीटर टूवॉर्ड द ऑब्जेक्ट द डिस्टेंस बिटवीन द पोजीशन ऑफ द ऑरिजनल एंड फाइनल इमेज सीन दीन इन द मेर इज तो उसका ऑप्शन है टू सेंटीमीटर फोर सेंटीमीटर टेन सेंटीमीटर ट्वेंटी टू सेंटीमीटर आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख दीजिएगा और टेलीग्राम पर भी ग्रुप है आप लोग टेलीग्राम के ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है Thanks, brace, like, share and subscribe. Bye bye.